फ्रेंड्स, आजकल की हर नए एंड्रॉइड फोन में क्रोम ब्राउजर तो होता ही है। और क्या आपको पता है कि आपका फोन कोई भी व्यक्ति लेकर और देख सकता है कि क्रोम ब्राउजर में आप क्या क्या सर्च करते हैं। अब जो भी क्रोम पे सर्च करते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री बनती है और वो हिस्ट्री 36 मंथ तक वहाँ पे सेव रहती है। तो कोई भी व्यक्ति आपका फोन लेकर देख सकता है कि आप क्रोम ब्राउजर पे क्या सर्च किए हुए हैं, कौन सा वीडियो देखें या फिर कौन सा इमेज को सर्च किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक क्लिक में कैसे क्रोम ब्राउजर की पूरी सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर को। इस तरह से क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाए तो हो सकता है आपके क्रोम में यहाँ पे कुछ और आए, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तीन बिंदु पे और यहाँ पे आप न्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे एक होम का आइकॉन आ जाएगा यहाँ पे, तो आप सिंपली इस होम वाले आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्च हिस्ट्री का। सिंपली आप सर्च हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे सर्च किए हुए हैं यहाँ पे सब आ रहा है। इस तरह से आपका कोई भी व्यक्ति फोन लेकर देख सकता है कि आप क्या क्या सर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इसे एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सभी को एक ही क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर में ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का, तो सिंपली आप डिलीट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप डिलीट टुडे पे क्लिक करके और आज आप जो भी क्रोम में सर्च किए हुए हैं उसे आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक डेट का डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डिलीट कस्टम रेंज और इसके बाद यहाँ पे आप आफ्टर पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से मैं मार्च सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक किए। इसी तरह से यहाँ पे आप बिफोर पे क्लिक करके और यहाँ पे आप कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप अपने अनुसार से इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा तो हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो जाती है यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देने के बाद। और अगर आप पूरी हिस्ट्री को एक ही क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और डिलीट ऑल टाइम पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी पूरी सर्च हिस्ट्री क्रोम ब्राउजर की डिलीट हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो भी आप क्रोम ब्राउजर पे सर्च करें उसकी कोई भी हिस्ट्री न बने, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऑटो डिलीट पे। ये डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहता है और इसके बाद यहाँ से आप डेट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन में हमारी हिस्ट्री डिलीट हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कम से कम 3 मंथ का आता है और 3 मंथ सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे अगर आप कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड्स, आप जो भी क्रोम ब्राउजर पे सर्च कीजिएगा वो 3 मंथ के बाद खुद से डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसे कभी भी इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहें तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके और डोंट ऑटो डिलीट एक्टिविटी पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से फिर आपकी ऑटो डिलीट होना यहाँ से बंद हो जाएगा।